आज मैं सिखाऊंगी ब्लाउज से नाप लेके कटिंग करना। ये हमारा ब्लाउज है, इसको हम उल्टा कर लेंगे। पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसकी लंबाई। इसकी लंबाई है 14.5। अब देखते हैं हम चेस्ट। चेस्ट है 7। इधर है 9। 9 ही रखेंगे। गला, गले को ऐसे नापते हैं, ऐसे इसको सही करके रख लिया। जहां से सिलाई में गया हुआ है ना, ऊपर आधा इंच इस पे ही रखेंगे, इंच पे हम ऐसे रख लेंगे। ये है हमारा 7 इंच। मुटे हैं 6.5। पौने 3, 2.5। ये है 3.5। पीछे का गला, साढ़े 8 है, आधा इंच इसमें गया हुआ, 9 है। इसको अब हम एक बार बाद में फिर बताऊंगे आपको। इसकी लंबाई रख लेंगे हम 16.5 इंच। तीन इंची गला तीरे थे और 2.5 इंची गला था, तो हो गए 5.5। 5.5 इंची रख लेंगे हम तीरे। इंची रख लेंगे हम गला। 7 इंची का हमारा आगे का गला। साढ़े 6 इंची रखेंगे हम मोटे। ये था हमारा 9। एक इंची रखेंगे आगे, 1.5 इंची रखेंगे हम पीछे का। इसको आप निशान लगा देते हैं, यहीं से हम ऐसे चौक लेते हैं, ऐसे 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 से मिला। ये जो है अब हमारा 9 इंची था तैयार। हम इसको रखेंगे अब 11.5 इंच। कमर है हमारी 32, 8 × 16 = 32, 8 है, तो हम रखेंगे इसको 10.5। थोड़ा फालतू सही रहता है ना, मोटे हो जाए तो फिर ब्लाउज खराब नहीं जाता, खुल जाता है। इसको अंदर दाब देते हैं हम सिलाई में, उसकी करेंगे कटिंग। ये हमारी अभी है पीछे वाली कटिंग। आगे की हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा कपड़ा हम फालतू रखेंगे। इतना सा थोड़ा सा बढ़ाकर रखेंगे, फिर गले में वो नहीं आता।
नहीं रहा, इतना हम बढ़ा कर रखेंगे। हमारे निशान देख रहे हैं ना, ये हम ऐसे ऐसे करके इसको डार्क कर लेंगे। वो हमारा पीछे का था, ये हमारा आगे का। अगर मान लो नहीं भी दिख रहे हो ना, तो आधा इंची का निशान लगा के तब कटिंग कर देंगे। पीछे के गले को थोड़ा सा हम डीप करेंगे। प्लेट का निशान फिर पीछे का तो हम लगाएंगे पहले चार पर। ऊपर से रखेंगे 10.5। बोलो बोलो 3.5 पे निशान लगा कर इसको हम 11 पर निशान लगाएंगे। ये 2.25 पर इधर की प्लेट 2, ये 3.25 पर इधर 3.5। आप ऐसे पीछे की तरफ निशान को डबल फोल्ड करके ऐसे रख लेते हैं। थोड़ी सी नीचे भी फालतू रख, ये हो गई कटिंग। अब थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ना हमने, इसको हम ऐसे करके ऐसे, या तो मशीन चला लो या हाथ से सुई से ऐसे कच्चा करके ना इसके साइड में से सब कपड़ा काट देते हैं, पर नीचे का कपड़ा नहीं काटते। इसको जब हम सिलाई करने के बाद बंद करते हैं ना, ये सब ऐसे करके ऐसे दब जाता है ऐसे।
ऐसे आ जाएगा। इसको नहीं काटते हैं कपड़े, साइडों का ये सब काट देते हैं, नीचे का ना पीछे वाले में काटते हैं ना आगे वाले में काटते हैं। अब करेंगे बाजू की कटिंग। नाप लेंगे इसकी बाजू कितनी, इसकी बाजू है तैयार 4 इंच, तो हम आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा, 4.5 कुछ यहाँ पर भी दबेगा अंदर, तो हमें चाहिए 4.5, 4.5 इंच। गोलाई कितनी है इस बाजू की, 7.5। हमने रखा था 6.5 मुठा, तो हमको 1.5 इंची बढ़ाना है, 1.5 इंची बढ़ेगा हमारा 8। हम रखेंगे पहले 4.5। मैंने बताया था कि जब हम 4 इंच की बाजू बनाते हैं तो हम 3.25 पर कट लगाते हैं, 2.75 या 3 हम लगाएंगे 2.75। ऐसे अब आगे की मैं हल्का हल्का, हमारी है 7.5 तैयार, ऐसे निशान लगा था इसको हम। कटिंग हम बस यहीं तक करेंगे, ये छोड़ देंगे इतना हिस्सा, 1 इंची के बराबर छोड़ देते हैं, इधर कट मारने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है। ये जो कपड़ा बचा है इसमें हम पट्टी निकालेंगे गले की, कट गई ना हमारी एक, हम इसको ऐसे रख रख के जोड़ लेंगे सबको, ऐसे जुड़ती चली जाएंगे सब, हाँ ऐसे एक कोना इधर है तो एक इधर रखते हैं हम इस कोने को, ऐसे रखते हैं सिलाई लगाते चले जाएंगे, पट्टी बनाए तैयार गले की पट्टी। अभी काटूंगी कपड़ा बाजू के, तो अस्तर था ना इसको हम हटा लेंगे अलग, इसको डबल करके हम ऐसे रख लेते हैं। अब हम कटिंग कर देंगे बाजू से, हम एक्स्ट्रा ही कपड़ा काटेंगे, इसको काटेंगे नहीं, इसको हम रखेंगे फालतू के लिए, हमारा अस्तर कम है ना, कम अगर हमारा अस्तर फालतू हो तो आगे के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा।